गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि भाषा के कितने आधार होते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मानसिक और भौतिक आधार बताया गया था, आज हम पढ़ेंगे भाषा के पक्ष, यानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाषा को मुख्यतः भाषा के पक्ष को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर वन है व्यक्तिगत पक्ष। आप अगर चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। सेकंड है सामाजिक पक्ष। और आपका थर्ड है सार्वभौमिक पक्ष। देखिए, आपको ये समझाने से पहले अपने सारे स्टूडेंट को एक चीज समझाना चाहती हूँ कि आप सब लोग आपके जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। अगर कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी आपको लगती है कि कोई कठिनाई हो रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें कॉल करके मैसेज करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हर वीडियोज़ को देखें और उनको ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए अब यहाँ आते हैं हम भाषा के पक्ष में। व्यक्तिगत पक्ष है, व्यक्तिगत पक्ष से आपका तात्पर्य ये है कि देखिए भाषा होती ही है मानव भाषा, क्योंकि अगर भाषा का विकास हो रहा है या फिर भाषा किसी के द्वारा बोली जाती है तो मनुष्य के ही अंतर्गत बोली जाती है। इसलिए जो पक्ष दिया गया है वो व्यक्तिगत पक्ष दिया गया है, यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने लेवल पे अपनी भाषा का क्या करता है, विकास करता है या फिर उसका उसको आगे संप्रेषित करता है। ये जब तक व्यक्ति वक्ता नहीं होगा, एक वक्ता नहीं होगा तब तक उसका जो उसका जो संप्रेषण है वो सामाजिक तौर पे नहीं होगा। यानी कि भाषा का जो पक्ष है वो क्या है, व्यक्तिगत है, यानी एक व्यक्ति के लिए है जो कि उसको बोलकर अपनी बातों को, विचारों को या इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है दूसरे व्यक्तियों तक। जब इसमें दूसरे व्यक्ति शामिल होते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं ये तीनों पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि व्यक्ति को व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से अपनी बातों को रख रहा है तो उसको उस बात को रखने के लिए किसी न किसी दूसरे व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ताकि वो उस बात को सुन सके। अगर सिर्फ व्यक्ति रख रहा है वहां पे उस भाषा का कोई तात्पर्य नहीं बचता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसकी कोई अपनी अपेक्षाएं नहीं रह जाती फिर, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहा है। उसको सुनने के लिए, समझने के लिए या फिर उससे उस चीज को फिर जानने के लिए किसी का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष इसलिए क्योंकि जो मानव है, जैसे हम हैं, आप हैं, हमें अपने बातों को, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें समाज में, समाज से मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ा एक दायरा चाहिए, हमें वो समाज हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारा परिवार भी हो सकता है, एक दो वो लोग भी हो सकते हैं जिनको किसी चीज की आवश्यकता है और हम अपने विचारों से उनकी उन समस्याओं को सुलझा रहे हैं, यानी कि वो सामाजिक पक्ष है। जब तक वक्ता के लिए श्रोतागण नहीं मिलेगा तब तक उस वक्ता के वक्तव्य का कोई अर्थ और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए सामाजिक पक्ष हो गया। सामाजिक पक्ष के बाद आता है सार्वभौमिक पक्ष। व्यक्तिगत हुआ, सामाजिक हुआ और थर्ड है आपका सार्वभौमिक। यहाँ पे सार्वभौमिक पक्ष से मतलब है सबकी भाषा, सबकी भाषा और अधिक से अधिक लोगों की भाषा। यानी कि देखिए ऐसा होता है कि हम सब अपनी अपनी, चाहे हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा कोई भी हो किसी भी राष्ट्र में, लेकिन जब वो अपने पर एक अलग परिवेश में होता है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, दोस्त का सर्कल अलग, परिवार का सर्कल अलग, भाई बहन का सर्कल अलग, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हम अपनी बातों को क्या करते हैं, एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमारा जो व्यक्तित्व होगा वो उस चीज़ को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है या अभिव्यक्त करता है। तो सार्वभौमिक पक्ष से मतलब वो है कि ऐसी भाषा जिसमें जिसको क्या हो, अधिक से अधिक लोग बोलना
या व्यक्त करना पसंद करते हैं। तो ये है आपका, ये तीनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। जब व्यक्तिगत रूप से आप किसी चीज को किसी तक पहुंचाओगे तो वो कहाँ पहुंचेगा, सामाजिक पक्ष। और जब किसी भाषा को सामाजिक रूप से लोग बोलना और सुनना पसंद करने लगते हैं तो वो अपने आप सार्वभौमिक भाषा बन जाती है। तो ये आज आपका रहा भाषा के पक्ष। नेक्स्ट कक्षा में आपको आगे की भाषा से संबंधित आगे जो जानकारी है वो दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।